साथियों, वैसे पेरेंट्स जो 2021 में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं जिसका आपको जानना ज़रूरी है। 2021 की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में के बारे में बताऊँगा। इसके बाद बहुत सारी वीडियो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड आया करेंगी। आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड है। लेकिन ये इस साल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी ऑनलाइन क्लास वन के लिए, वो कब से शुरू होने वाली है और केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए दोस्तों। आप में से कई स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या सर केंद्रीय विद्यालय में इस बार नर्सरी से भी एडमिशन होगी शुरू? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नर्सरी से नहीं होता है केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिले की प्रक्रिया शुरू होती है वो क्लास वन से होती है और क्लास वन की जो दाखिले की प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद लॉटरी सिस्टम होता है और उसके बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्लास वन से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी और ये ऑनलाइन होगी। क्लास टू ऑनवर्ड्स, क्लास टू से लेकर 12 तक जो है दाखिले होंगे वो ऑफलाइन होते हैं। उसके लिए आपको आपके अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय जाना होगा और पता लगाना होगा कि अगर मैं बात करूं क्लास थ्री में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय जाके पता लगाना होगा कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास थ्री के लिए सीट खाली है कि नहीं है। अगर सीट्स खाली होंगी तो आपको वहां से फॉर्म लेना होगा और फॉर्म फिल करके वहां जमा करना होगा। क्योंकि इस साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है इसे भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन जो ऑफलाइन की प्रक्रिया है वैसी हुई थी। ठीक है, तो इस बार वैसी ही होगा कि आपको खुद से केंद्रीय विद्यालय जाना होगा और क्लास टू ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में दाखिला लेना है तो आपको पहले पता लगाना होगा कि वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं, उसके बाद आपको फॉर्म लेने या भरने हैं। क्लास वन सिर्फ जो होगा वो ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन के बाद आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे उसके बाद आपकी जो है लॉटरी होगी और उसमें बच्चे का नाम आएगा तो आपके बच्चे का दाखिला वहाँ पे होना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस बार 2021 में दाखिले के बारे में सोच रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में और अगर आप OBC में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो ये 2020 से ही शुरू हो गई थी लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं है। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए आपके पास 27% की रिजर्वेशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप OBC में आते हैं तो आपके पास आपको 27% की रिजर्वेशन मिलेगी केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर जब क्लास टू के या क्लास थ्री ऑनवर्ड्स जो फॉर्म आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड हर एक वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। आपको गाइड करूंगा कब क्या होने वाला है, न्यूज तक जो होगी केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड वो न्यूज अपडेट भी आपको मिला करेंगे यहाँ पे। तो आप के फॉर्म जो है ऑफलाइन के फॉर्म कब निकलने वाले हैं, कैसे निकलने वाले हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उस टाइम मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि क्लास टू ऑनवर्ड्स सारी ऑफलाइन होंगी। आपको स्कूल जाकर पता लगाना होगा सीट खाली है कि नहीं है, अगर सीट्स वैकेंट होगी तो आपको फॉर्म दिया जाएगा और आप फॉर्म भरेंगे। क्लास वन की ऑनलाइन होगी। क्लास वन की ऑनलाइन इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एंट्री होती है स्टूडेंट की पहली क्लास से, तो आप समझ सकते हैं सीट तो पूरी खाली है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं दाखिले के लिए और अगर इसे ऑफलाइन रखा जाए तो इतने सारे स्टूडेंट स्कूल जाएंगे, साथ में उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली जाएंगे, तो एक भीड़ सा बन जाएगा, एक क्योस से बन जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी पहले, इसी के मद्देनज़र, इसी को ध्यान रखते हुए क्लास वन की जितने भी दाखिले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर दी गई है और ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लॉटरी आएगी, उसकी रिजल्ट भी ऑनलाइन होगी। ठीक है, वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। तो क्लास वन ऑनलाइन और क्लास टू टू 12 ऑफलाइन होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, रिजर्वेशन केंद्रीय विद्यालय में है, बहुत सारी रिजर्वेशन, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो OBC का, जैसे मैंने बताया 27% रिजर्वेशन है। इसके अलावा SC ST OBC और सिंगल चाइल्ड घर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बैक टू बैक लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। और अब मैं आपको बता देता हूँ जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 2021 में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली, क्लास वन के लिए और क्लास टू ऑनवर्ड्स जितनी भी एडमिशन होने वाली हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों।
साथियों, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, 2021 में जो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होनी है वो दोस्तों अप्रैल से शुरू होगी। अप्रैल में क्लास वन के फॉर्म जो है ऑनलाइन मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। और अप्रैल फर्स्ट वीक से केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और क्लास टू ऑनवर्ड्स भी दाखिले होंगे। तो आप अभी से ही तैयार रहें इस चीज के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि आपको किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सिंगल चाइल्ड घर में आते हैं तो आपको किस तरह से क्या करना है, अगर आप आर्मी कोटा में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आपको क्या करना है, तो वो सारी बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करेंगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल चैनल है आपके लिए जहाँ पे आपको केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दिया करूँगा। तो आप हमारे चैनल बने रहिए और आपका हमारे चैनल से काफ़ी फायदा होने वाला है, स्पेशली अगर हम केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की बात करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो थी 2021 के लिए केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए, और जिसमें कि मैंने मेन चीज़ आपको ये बता दी कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, बाकी आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जो आपके फायदे के लिए होगी, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।